एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक माता स्वर्णजीत बत्रा पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंछी नू खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्री अशोक बत्रा, राजराणी विजय बत्रा, अंजू बाला, सरोज बाला, राजेश कुमार, प्रेम राणी, अनूप कुमार, सचिन बत्रा, आरव बत्रा, प्रिया बत्रा, अमन बत्रा, रिया बत्रा, निशु बत्रा अते उना दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पत्ती मीखोवाल बेगोवाल कपूरथला विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंह वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। माता स्वर्णजीत बत्रा जी दा जन्म पिता श्री मेवाराम जी दे घर माता श्रीमती सिलमावती जी दी कुखों लाहौर पाकिस्तान विखे सन 1942 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। सन 1967 विच आप जी दा विआह श्री प्यारालाल बत्रा जी हुणा नाल होया। व्याह उपरांत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले। आप जी दे घर दो बेटियां अशोक बत्रा अते विजय बत्रा अते बेटियां सरोज बाला अते प्रेम राणी ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दीआं बेटियां आपो अपने सहुरे करी सुखी व्योहता जीवन बतीत कर रहियां हन अते आप जी दे बेटे आप जी दे नक्शे कदमां ते चल के खूब नामना खट रहे हन अते अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हन। माता स्वर्णजीत बत्रा जी बहुत ही सहनशील बिरती वाले अते ठरमे वाली औरत सन। आप जी दा जीवन संघर्षां भरिया जीवन रिहा, पर आप जी कदे भी किसे भी संघर्ष तो नहीं हारे। आप जी ने अपने हौसले नूं बुलंद रखिया, अपने बच्चियां नूं सेट कीता, चंगे संस्कारां दा धारनी बनाया। माता जी बहुत ही मिठी बोली अते मेलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। आप जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। रोजाना गुरु घर जाना आप जी दी दिनचर्या सी।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਓ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਖੋਲੇ ਹਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੇਗੋਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਣਾ ਕਰਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਬ ਹੱਥ ਵਟਿਆਈਆਂ ਚ ਸੁਭਾਵਾ ਦੱਸਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਰ ਭਗਤਾ ਜੀ ਬੁੱਧੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੋ ਬੇਟੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵਾਹਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਸਨ ਦਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਸੀ ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰਵਰ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਸਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
इस उपरंत आनंद साहब जी दीआं छे पौड़ियां दा जाप करदे होए समुची संगत वालों परमात्मा जी दे चरणां विच अरदास बेनती कीती गई अते पवित्र दरगाही बाणी तों हुक्मनामा साहिब सरवण कीता गया। श्री हनुमान साहब जी आप हरिशन आप जी की पावन वही है निरता सर सर्वोता वही है उपरंत गुरु घर विखे गुरुदेव कीर्तन श्री पौड़िया आनंद साहब जी का जाप है बाणी पढ़ते हुईयां तुझा कुछ लैनिया बाणी का महात्म कीर्तन का महात्म विश्व जीव आत्मा प्रलोक रखे साई मन जीव आत्मा आवागमन के गिरत पिंड जाप के उसकी भी काल आपने तरना तरवार स्पर्श करना पिछले परिवार को आनंद बल पुरशन परिवार के सब निर्भय करना चढ़दिया कला पुरशन करना से मनोकामना पूर्ण करने का ग्रास कर पिछले आत्मा का नृत परिवार वालों को 55 सदै गुरु कलंदरा वास्ते बड़ी पढ़ाद है जिन्हों खजाना चा लाया है खजाना भरपूर करना है चढ़दिया कला पुरशन करनिया सो मनोकामना पूर्ण करने का ग्रास कर पिछले आत्मा के नाप जी के हजूर परिवार वालों कड़ा प्रसाद की देख सन के अंदर हाजिर है गुरु काल अंदर हाजिर है दर परवान होवे जो छवे आप जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु नाम जपे कृपा बख्श श्री रामद कौर पाप नाम में बख्श भक्मना में चलन की कथा बख्श सही कार मेला नाम ले आप का नाम दत्ता नानक नाम चढ़ती का तेरे पास श्री हरि कृष्ण जाए भावे परसों के भावे कल जो मनुख संसार आया है
संसार में आके जिस मनुख ने रब का नाम लिया है, गुरु नानक की महिमा गाई है, हर एक का सत्कार किया है, हर एक ने मिलवर्तन किया है, कोई ना जाता है। क्या पसासा इस भांडे का इतना कला के ठड़का, यह मनुखी शरीर एक मिट्टी के भांडे की तरह है। जिस तरह मिट्टी के भांडे में चोट लग जाती है तो टुट जाता है, इसी तरह मनुखी शरीर है कोई बीमारी लग जाए मनुख अपने स्वास्थ्य पूरे करके परलोक में चला जाता है। माँ वर्गा कनिशावा बूटा मैं नज़र कित ना आवे, जिस तू लैके शाह उधारी तो रब ने स्वर्ग बनाए, कुल दुनिया के बूटे जड़ सुकिया सुक जाते ये पर फुलों के मरझाया बूटा सुक जाए। हर दुनियावी रिश्ते कोई ना कोई मतलब टूट रहा है। माँ का रिश्ता दुनिया एक सगाल है जिसकी देन मनुख सारी उम्र नहीं दे सकता। माँ हमेशा अपने बच्चों को वधिया इंसान बनाती है। उन्हां मावां में तुसीं बहुत ही सत्कार योग माता स्वर्ण जीत कौर जिसने अपने बच्चों जन्म दिता, वक् वक् चंगे परिवारों में जगाया, वक् वक् वधिया कारोबार कराए, वधिया कारोबार करा के वधिया परिवारों में अपने बच्चों विआह के समाज में अपनी वधिया होंद बना के जाने। मैं समझदा हाँ ये धरती बेगौर भी संत बाबा प्रेम सिंह की चरण चौ धरती है। जोड़ा भी इस धरती से आया है उसनों भाग लगा है। श्री पहरादार जी जो बेगौर की धरती पर आए हैं तो संत बाबा प्रेम सिंह जी ने उन्होंने मेहर की है, उन्होंने दोनों बड़े बेटे बड़े बड़े वधिया कारोबार ने यहोजे कारोबार कहे गए नहीं। मैं समझा कि संत बाबा प्रेम सिंह की दिन है। पखा दिवे बालो जिनी रोशनी के निग सूरज तो प्राप्त होनी है, पखा दिव्या तो रोशनी के निग नहीं मिलना। जिन्हें मर्जी बीबी स्वर्णजीत कौर के भैन भरा सत संबंधी स्वर्णजीत कौर के परिवार को प्यार दे दें, पर नहीं जो बीबी स्वर्णजीत कौर ने मां के प्यार का निग अपने परिवार की गुरबाणी को देना है कोई नहीं दे सकता। मैं श्रद्धा से खोल पेट करता हुआ परमात्मा की अरदास करता कि परमात्मा माता स्वर्णजीत कौर को वधिया स्थान देवे, पिछे सारे परिवार को खुशहाली वाला ते मीरी वाला जीवन बीत करता बहुत अच्छे गुरु बने। तेहा हुकमाए कले आवे नानका सदैव विजय माँ बाप अनुसार। बहुत सत्कारयोग माता सरजीत कौर जी अपने परिवार को सानू सब विछोड़ा दे गए ने। उस विछोड़े विराजमान बिगवा नगर के एम सी कैप्टन प्रकाश सिंह जी, एंटी करप्शन तो दलजीत सिंह साबका मंडा, सबका एम सी संघ सिंह सुदामा, एम सी जगजीत सिंह जगी हासरिया, प्रधान नरेश कुमार जी, सरदार सपाल सिंह लायंस क्लब रॉयल पदकी तो लायंस क्लब सेवा बेगोवा के चेयरमैन सरदार विशा सिंह नाम प्रधान नाम मैंबर साहबान, श्रीनिवास कपूर जी काउंसलर, श्री प्रदीप कुमार जी बप्पू, श्री सुरेंद्र सेठी जी, सरदार सपाल सिंह जी को मंडा सबका काउंसलर, एम सी कलवर कौर भुल्लर, श्री सुदेवरा जनी जी, सरदार जगजीत सिंह घुमन फाइव स्टार वाले, अशोक कुमार प्रधान प्रकाश स्टूडियो तो जगबाणी बेगवा साढ़े बबला जी, रोजाना स्पोर्ट्समैन तो अमृतपाल सिंह बाजवा जी, जगबाणी भारत तो नरजिंदर जी, नंडाला तो राणी मेला के प्रधान वालिया साहब, सबका काउंसलर सुखविंदर कौर खासरिया, राजेश कुमार जी आई पिंडिया, डॉक्टर तरसेम सिंह जी, सबका सरपंच बरिंदर सिंह जी पप्पल, वाइस प्रधान बरिंदर सिंह जी पिटू बेगवाल तो, कैप्टन जगतार सिंह जी, प्रोफेसर जसवंत सिंह जी मरपिया एम सी साहब, डॉक्टर जगीर सिंह जी पवार, सबका काउंसलर सदाई लाल जी, आज इनकी शुभ भाज जिन्हें तुम सारे समूह श्रद्धा से फुल भेट करने वास्ते आए हो, तो समूह साहस जी हो फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो आया सो चल सी सब को आई वारी है, ये वारी आपको अपनी है, आप सारे चले जाना है। पर जजीरे आप करके जाने ये काम करते हैं वो लोगों की पहचान तो पता लगता जो लोग साढ़े पिछे चल के आते हैं, जो लोग साढ़िया गल करते हैं, तो श्री प्यारेलाल जी सरकार जो पिता जी अज माता जी स्टूडियो नहीं रहे माता सरजीत कौर जी, पर अपने बच्चों ने चंगी सिक्ख्या दी हुई वो सिक्ख्या दो भावों की विजय कुमार जी और अशोक पत्रा जी वो लैके सिक्ख्या अगे चलते हुए अपने कारोबार में बदे। हर कोई अपने कारोबार में बदलना चाहता, जो अपना कारोबार बढ़ जाता
फिर उस बाद होता है कि आप अपना घर बना अपने बच्चों का पालन पोषण करना अपने बच्चों को पढ़ा बच्चों को स्टडी कराई है। अशोक भाई के बेटा जी वो भी बहुत तनदेही गुरु नानक जी वालों गुरु नानक देव बाबा जी वालों बख्शी हुई को किरत कर रहे दसलवा की उसी किरतों पिता चाचा और भरा माता जी के बच्चे आम लोगों की जिन्होंने लौड़ है लोगों की मदद करते हैं। इस गल की खुशी है कि माँ बाप वालों अच्छा पालन पोषण किया हो अच्छी सिक्ख्या दिखती हुई उस सिक्ख्या के नाल परिवार अगे बढ़ रहा है कि परिवार होर बढ़ता रहे दिन दुगनी रात सुगनी तरक्की करे माता जी को वाहेगुरु अपने चरणों में नवास बख्शे परिवार को प्रणाम दा बख्शे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह। एक मेरी संगतां नूं बेनती है कि पांच मिनट बाद बैठ जाओ अज पिता जी माता जी के घर च अंतम वास विच अहीं जो बैठे हाँ असीं तां गुरु साहिब जाणी है साडे वर्तां लोग श्रद्धा फुल दे नालगे सो मैं सबको बेनती करांगा बहुत घट पांच सत मिनट बैठे रहो जो माता का यह झल्या नहीं जाता मेरे तो पहला सरदार सुमन सिंह साढ़े भुल्लर साहब काफ़ी लोग दस गए थे मैं अशोक बत्रा जी के नागे बहुत लोग देखे हैं विजय बत्रा जी जो परिवार है इन्ना चुन लिया माता ने इन्ने ही किरदार किए मैं जिदा मैं अपनी माता के किरदार होते माता दो दिन बहुत पिछड़ा लगे थी सो अपनी माँ का रूप मैं ऐसे माँ देखता सी जो विजय पादरी और ग्रंथ में समान लैंड लेना उसे माता ने बैठे होना अशोक जी का कहना माता ने दर्शन हो गए यह भी माँ करना करना और बढ़िया जो बच्चे ने राजी के प्यार किया बच्चे ने माँ का पूरा सत्कार किया आज के दौर में जो बच्चे माँ को भी इज्जत प्यार मोहब्बत करते हैं उन्हें माँ का बोले तो बच्चा भी उसके नाल नेक कमाई करना और बच्चा भी गा सो जाना तो अपन सारे लोग धरती हो जो भी गल करता चंगा उन्हें भी मान भरना है सारी माता ने एक समाज के चंगे बूटे लाल जो धरती है ना उन्हें सफल है जिन्हें कोई अपने वास्ते समाज वास्ते करना है जो मां चंगी सी मां की तपस्या सी इस सतवा प्रेम की धरती से माता ने तप किया तो सारे शोक भाजी आए थे विजय भाजी आए थे भैन ने जन्म लिया चंगे परिवार च इन्होंने शादी की है सच्चे ने बार बार चलाया होया हैदराबाद आप लोग साढ़े गुरुद्वारा का नाम ही यह पूरे पंजाब जिले का नाम चलता है पूरे वर्ल्ड का नाम चलता पे है अब बड़ी मान महसूस हो रही है एक साढ़े धन धन बाबा सिद्ध गर्भ सरी के डायरेक्टर ने 2008 तो लैके ये लगातार डायरेक्टर जुड़े जा रहे हैं सो इन्हों की एक बड़ी वीडी देर है क्योंकि बढ़ करके समाज सेवा करते हैं मंत्रा और भावना की महंगा हो काफ़ी उन्होंने पल पल सूरज मिलता है हर घड़ी के उन्होंने मार्गदर्शन करते विजय बत्रा जी अशोक बत्रा जी सो भागा वाली याद जी समाज में सेहत होती है समा बहुत समाज में बहुत बड़ी थान पाई उन्होंने योग अगवाई हेठ
परिवार तरक्की पौड़िया से परिवार दिन दो दिन रात चौथी तरक्की करता पाया है। तो ये मेरे दोनों वीर इन्हों का सुभा ही एदा जिस वे मिलते हैं उस वे मन खुश होता है क्योंकि इन्नी निम्रता इन्हें इन्ना नमाणा मन इन्ना प्रेम है कि उस वे खुशी का गलता दूसरे मिलते हैं। अब इन्ना व्डा जरा कट है वो इस ही प्रेम का निम्रता का सबूत है। जो इलाके के विकास की गल करते हैं तो मैं बड़े आराम न कह सकता कि इस इलाके जिन्हें विकास के काम हुए हैं उन्होंने इस परिवार ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो जो मैं समाज को देने की गल करना समाज परिवारों का कर माता जी ने बहुत वधिया बच्चे दे के ये समाज वधिया बनाने की कोशिश की वधिया समाज सिरजन की गल की है। मैं सिर्फ अद्धा मिनट होर बोलना बार बार गल संत बाबा प्रेम सिंह जी की हुई थी। संत बाबा प्रेम सिंह का नाम ही बड़ा वड्डा है, संत प्रेम का कद भी बड़ा वड्डा है, संत प्रेम की कमाई भी बहुत वड्डी है, देन भी बहुत वड्डी है। 1897 के 15 साल की उम्र डेरा मराला साहब गए जो बहुत वड्डी पवित्र संस्था सी ते दमदम टकसाल के 9वें मुखी संत बाबा बिशन सिंह जी उस वे संस्था के मुखी सी। संत बाबा प्रेम सिंह ने उस पवित्र संस्था जाके इन्नी सेवा ते सिमरन किया कि उन्होंने परमात्मा नाल एकमेक होने का मौका मिलया। तो मैंने चक्कियां चलिया कि जिस वे 47 देश की वंड हुई सानूं इस इलाके नूं उन्हें इकट्ठे बिठाया ते नाल ये वध दित्ता कि देखवा लाहौर बनेगा। लाहौर पंजाब की राजधानी कालजा दा शहर सी बहुत वड्डा। इस करके उन्होंने जोड़े उस वे वचन किए ने वो हम पूरे हो रहे हैं। जिन्हें भी मेरे वीर बाहर के पिंड आए ने शहर तो आए ने सारिया का कारोबार बहुत चढ़ती कला च है, उन्होंने आशीर्वाद है। मैं इस वे बहुत अग्नि जावगा। मैं इस वे गुरु महाराज के चरणों में बेनती करा कि वो माता जी जिन्होंने बहुत वधिया चुनौती किया गुरु महाराज उन्होंने पवित्र आत्मा मेहनती आत्मा अपने चरणों में वास बख्शे परिवार को भाणा मन का वास बख्शे। अज का विशाल इकट्ठ ये दसता पाया है कि इस परिवार ने कितनी कमाई की है, कितना वड्डा थाप बनाया है। तो मैं भी परिवार की चढ़ती कला की कामना करता हो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु वाहेगुरुआई धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिन्हों के पावन पवित्र मुकदस चरणों में बहुत ही गमगीन माहौल में जुड़ बैठी गुरु प्यार वाले शास्त्र जी और करो रचना पवित्र साहब आप जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब का प्राण समान है शेख हयाती जग ना कोई खेल रहे जिस आसन हम बैठे कीते बैस गए। बाबा फरीद जी का श्लोक है क्योंकि इस जग से जो उपजो सो बिनस है पर वो अच्छे का जो असं अखा ना देख रहे हाँ इसने एक दिन बिनसना है। जो आया सो चल सी जाना हरेक ने है पर समय मुताबिक ये समा है जब समा आ जाता रुकावता नहीं है क्योंकि साहिब का गुमान मर्द दिखाए मंडल में आए जो साड़ा उस दरगाह में लिखा हुआ है साड़ा किया हुआ रचना उस मुताबिक ही असं इस श्वासा की पूजी में इस संसार भोगते हैं। पर दुख कद होता है किसी ने जान का कोई मोह का एक प्यार का होता है आए बहुत है पर चले भी गए पर कुछ दुनिया में ना रह जाते उन्होंने एक ना है माँ का एक है प्यो का क्योंकि गुरबाणी की गल कहती है गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वर पहला नाम माँ का है। जेकर माता पिता की हो रही है तो साड़ी उम्र कभी हो नहीं सकती दुख विछोड़ा ये विछोड़े का दुख है जो साडे को सहन नहीं होता क्योंकि माता पिता इस संसार विच साडी जिंदगी दे ओ राही हन ओ हम सफर हन जो जान तो बाद भी साडे नाल हमेशा रहिंदे हन। तुसीं आप देख लिओ जिन्हां दे माता पिता मेरा ख्याल कई साल पहलां भी चले गए पर अज भी जदों घर विच खुशी दा कोई प्रोग्राम करदे आ ना ते मेरा ख्याल सब तों पहलां उन्हां दी याद आउंदी है ते उन्हां नूं याद भी कीता जांदा है उन्हां नूं पहलां नाम भी याद आउंदा है। साहिब कहते हैं दुख भी छोड़ा एक दुख भोग
एक दो सख्त वार जमदूत एक दो रोग लगे कम धाए वैर ना भोले दारू लाए दुख बड़े नाम पर सब तो वाला दुख है विछोड़े का एक भुख का दुख है क्योंकि दुख विछोड़ा एक दुख भूख भुख का सब तो वाला दुख है उसको वाला दुख है कि रोग लग जाए कि उसको वाला दुख है जब किसी को जान दुख लग लग जाए पर सब तो तक वाला दुख है ना विछोड़े का दुख विछोड़ा सारे प्रवाणी से कहना दुख विछोड़ा एक दुख भूख सब तो वाला दुख विछोड़े का है क्योंकि माता पिता का विछोड़ा एक कभी असहज हो गया सह नहीं जाता हमेशा याद रहता है माँ माँ का लफ्ज है ना सत्संग जी कि दुनिया का वो लफ्ज है भावे है छोटा पर आकार बहुत बड़ा है पर बहुत ही लुकाई नहीं जाना हमेशा माता पिता कहो कि इसको प्रोग्राम करांगे हमेशा सानू याद रहेंगे क्योंकि बहुत दिन टेन जावे सारे बुला रहे भी बहुत जान मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा माता पिता की सेवा करो माता पिता के कहने कारण चलो अज साडे समाज में असं देख रहे हाँ क्योंकि साडा इलाका ज्यादा अन्न आ रही है आप प्रचार होने के नाते भी मैं जरूर कहूँगा कि साडे इलाके में ज्यादा अन्न आ रही है भावे असी जग सिंह का भावे दवाने सिंह का भावे कोई भी जात हाँ पर साडा सारे का एक रुझान बनया है कि विदेश में चले जाते हैं विदेश में जाने के बाद साडे बच्चों के विआह हो जाते हैं कोशिश करते हाँ कि उन्होंने बहु उन्होंने बेटियां भी बाहर चली जाए जब बेटियां बाहर चल जाती हैं तकरीबन जो कोठियां तीन तीन मंजिल होंगे तो बच्चे विदेश भी जो इतने तकरीबन जो बजुर्ग माता ही देखते हैं बजुर्ग पिता बजुर्ग माता वो अपने पुत्रों को देखते हैं जिन्हें पुत्रों लखा रुपया ला के विदेश भेजा होता है जब कोई बीमारी घेर लेंदी है तो असं आशा करते हाँ कि सामने इन्होंने सामने वास्ते कोई ना कोई मिल जाए जब सामने वाला को मिल जाता बच्चे फिर नहीं आते फिर जब पता लगता है कि माता पिता हस्पताल में दाखिल हैं तो फिर सत्संग जी वो किदा करते हैं कि सू छुट्टी मिल जाए जदों तक सत्संग जी उस काम की छुट्टी मिलती है आंदियां माता पिता लंबिया बाहां करते करते अंतम रूह से जो अंतम साह में अपने बच्चों को पुकार पुकार के गल कह देते हैं कि जो आने उन्होंने सा संस्कार चंगे तरीके कर दो यही देखा जाता है कि जो संस्कार की वाली होती है साढ़े बच्चे कुछ भी देश तो उनके पहला आंता खुला नहीं अज हो रहा है अज हो रहा है क्योंकि सानू यह नहीं चाहिए कि सारे लखा रुपया ला के असं विदेशों में अपना सैटल हो गए सैटल होने का यह मतलब नहीं कि असं अपनी धरती को हमेशा वास्ते त्याग दीए इतों हमेशा वास्ते उतारी जाइए अच्छ इस देश में समाज की हो रहा है मैं बहुत लंबा समा नहीं जाना अपने माता पिता का जरूर ख्याल करो जो इतने नहीं रख सकते तो जब बाहर जरूर लैके जाओ उन्होंने बाहर दे देश की जो तुम उन्होंने इस दुनिया की सैर करवाई है दुनिया दिखाई है तो तुम भी उन्होंने वो दुनिया दिखा दौ ये ना कि लोगों के हाथों वाल देख देख के लोगों के मुँह वाल देख के वो कह कि मेरा आओ सब तो फिर गुरदेव पातशाह की बख्शिश मुकदस प्रति सी करिए वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह इस दुनिया के उपर दो ही फलसफे हैं एक मौत का और एक मान का फलसफा जो अब दोनों फलसफे इकट्ठे हुए हैं मौत के फलसफे से मेरे को पहला कीमती जल्दियां ने मेरे को पहला बहुत ही बड़ी कीमिया ने मौत के फलसफे बहुत अपनिया विचार दसिया मैं तो सिर्फ मां के फलसफे की गल करा कि मां की है मां इस कायनात सब तो उच्चा सुचा सब तो मीठा निघा फलसफा है तो वह है माँ का फलसफा जिसका कोई तोड़ नहीं जिसका कोई बदल नहीं जिसका कोई अल्टरनेट नहीं जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं एक माँ का शब्द मूँह आए तो एक दिल में संगून एक दिल में हौसला मिलता है एक माँ को इंसान के रूप में नहीं बलदान के रूप में देखा जाए तो मैं समझता खुद कायनात के सारे सुख माँ की ममता देकर बहुत ही फिखे दिखते हैं जो परमात्मा ने माँ बना के इस धरती के ऊपर भेजा तो आप वेला होकर बैठ गया उसने सारे ही हथियार अपनी माँ को दे दिए जिसकी कि वड्याई मेरा एक लिखारी भी देखता है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती पर उसकी दिखती हुई बाथा भी टाली नहीं जाती ये तो एक परलोकमंद लोकमंद की वड्याई है और जो परलोकमंद की वड्याई है ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੋਕ ਮਤ ਔਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਈ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
जिन्होंने अजे उच्चे पौधे उत्ते संस्कार दिए हैं। इस परिवार को जैसी बदौलत आज परिवार इलाके धार्मिक पक्षों आर्थिक पक्षों सामाजिक पक्षों और राजनीतिक पक्षों बहुत ही अपना महत्व खिलाया। माँ के जान का बहुत दुख होया पर इसको भी बड़ा दुख कितना कि मैं अजे संसारिक माँ का चले जा इसको भी बड़ा दुख कितना कि मैं अजे इस परिवार माँ की ममता गुम होती दिस रही है। अखीर एक इंसान की खत्म हुई कहानी एक खत्म हुई फिल्म की तरह है जिमें वधिया फिल्म खत्म होंगी है समाज के एक वधिया मैसेज दे के जाती है। ठीक किसी तरह यह भी समाज बहुत बड़ा मैसेज दे के गई है जो इस उद्देश्य मैसेज आया कि कदम अजे पुटो कि निशान बन जाए संसार अजे पैदा करो कि पहचान बन जाए। गुरु महाराज जी बोली बेटी सत्संग जी आओ फतेह साहब जी करके वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला सरकार युग साडे परिवार के माता जी जिन्हां नूं वख वख बुलाया ने अपने स्वभाव के अनुसार श्रद्धा के फुल भेंट किए हैं। सब तो पहला तो मैं जिन्हें इतने दोस्त मित्र रिश्तेदार साहबान आए हैं उन्होंने इतने आते परिवार वालों का माफ करता हाँ और ना ही ये बेनती करता हाँ कि जिस प्राणी के संबंध में असं गुरु महाराज के चरणों में बैठे हाँ हाजिरी लगवाई है उन्होंने मतलब लोगों के विचार सुने हैं। मैं ये जरूर कहूँगा गुरबाणी से लिखा है गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर समाज मां का एक रुतबा है। मां एक वो अक्षर है समाज में जो जन्म दिता असी सारे जिन्हें भी इतने इंसान बैठे हैं सब एक मां ही दे मां किस तरीके के नाल अपने गर्भ के विच अपने बच्चे को रख लिया किस तरह उसका पालन पोषण करती है और किस तरह जन्म देने तो बाद मां एक उस बच्चे के वास्ते सवेर का चढ़ता सूरज होता है। जब बच्चा उठता है तो सब तो पहला अपनी मां का मुख देखता है। उस वेले जो उस मां को खुशी महसूस होती है मैं समझता हूँ किसी होर को नहीं। ताई कुर्बानी के विच उन्होंने बदलत मां ने बदलत क्या गया जिन्हें भी अपने पीर पैगंबर आउणिया होया इंसानी जामे के विच सारिआं नूं जन्म उस मां ने दिता। मां दा देन समाज मां दा देन परिवार मां दा देन वो समाज जो असीं प्रतीत कर रहे कोई नहीं दे सकता। मां अक्खर मां दी परिभाषा असीं सारे पढ़ी पढ़ जाते हैं पर अज दा युग मैं कहने तो ग्रेज नहीं करूँगा खुद कर ये युग हो गया समाज साडा इस पास तो भरिया गया असीं जे सरमाएदार जां सासी मेहनत के द्वारा पैसा कमाया तो असीं अज अपने माँ बाप की कोई केयर नहीं कर असीं जिते माँ ने सानू जन्म दिता है उत्थे असीं लोगों ने उस चीज़ को उत्पन्न किया जिते सानू अपने मापिया को नहीं मिलना चाहिए अनाथ आश्रम। मैं देखना कई बार टैलीविजन के प्रोग्राम आते हैं दिसते हैं उत्थे बजुर्ग औरतां बजुर्ग माँ बाप किस तरीके के नाल साढ़े जे लोग आ मैं कहूँगा लोग नहीं वो एक इंसानी जामे के विच उन्हां दा कोई करैक्टर नहीं है जिहड़े अपने माँ बाप नूं उन्हां जगह पर छड्ड गए। जे असीं आखो बचपन के विच माँ अपने संस्कार दिंदी है माँ एक किताब है
जिहदा हर पन्ना असी अपनी मौत के अंत तक पढ़िए तो सानू उहदे विचों कोई सेध मिलू। मां सानू चलना सिखाउंदी है, सानू हसना सिखाउंदी है, सानू सिख्या दे खेत्र दे विच भेजदी आ। मां दीआं ख्वाहिशां अपनी ख्वाहिश दे मुताबक सानू इस समाज दे विच काबल बनाउंदी है। जिन्ने भी हिंदुस्तान दे विच मनुख जां वर्ल्ड दे विच वड्डे वड्डे साइंटिस्ट पैदा होए आ, बड़े बड़े वड्डे लीडर पैदा होए आ, कोई मां दे पेट दे विचों जन्म लै के पैदा होई, मां ने उहनां दी सारी केयर करके उन्होंने देखभाल करके उन्होंने स्वरूप में जय मैं हूँ मानव देना अस दे नहीं सकते। सो मैं बहुत लंबा नहीं जाना, मैं अपने जरा बहुत बुरागमी कीर्तन होया भाई गुरजार सिंह जी कह रहे थे आपे बख्श लै, मनुख जे गुनाहगार है जी परमात्मा के नाल कोई लगन है जी उहदे विच कोई खामी है तो उहदे अनुसार आप जो माफी मांगते उहदे चरणां वल ध्यान करते हैं। मुरारी बापू जी एक दिन कह रहे थे कथा दे विच या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ या रहने दे मुझे मेरी तनहाइयों के संग। आप परमात्मा का गिला शिकवा भी करते हैं उन्हों समय समय सारी सारी कोई मुश्किल आती है उसके नाल बहुता प्यार नहीं करते उन्होंने कहने भी तू सानू दुखा का भाग देता जो सानू दुख दिता है तो सानू सुख भी परमात्मा। सो मैं बहुता नहीं जाना लंबा इस परिवार के विच जो साडे सत्कारयोग प्यारा जी साडे भाई साहब जिन्हों का परिवार का नाता मेरे बजुर्गों को चलिया आ रहा है और यह परिवार जदों का इस नगर के सैटल होया इमानदारी के नाम चलिया। इमानदारी एक मनुख की परिभाषा है, मलाप मनुख की परिभाषा है। सो जेड़े लोग मतलब के नाम किसी के नाल चलते हैं या समाज के रह के मतलब प्रस्ती करते हैं उन्होंने जीवन बहुत लंबा नहीं, उन्होंने जीवन थोड़े समय की चमकदा उस तो बाद नेरे के विच डुब गया। सो इस परिवार ने तरक्की की है, मैं हाले ताई भी वह दृश नज़र आ रहा है जदों साडे सत्कार योग स्वर्णता जी अपने बच्चों को कोऑपरेट करते उन्होंने नाल दुकान लगा पर बड़े साधु स्वभाव के मैं अपनी जिंदगी देखा कभी उन्होंने किसी के नाल कोई हेरफेर नहीं किया, कोई किसी के नाल बुरा व्यवहार नहीं किया और ना ही उस औरत ने कभी किसी का माड़ा सोचा। ये जी उन्होंने सोच सी उन्होंने सोच का फल इस परिवार को इन्होंने बच्चों को मिले, उन्होंने मेहर का भरिया हाथ जोड़ा है वो इन्होंने सिर पर पहला भी सी और मैं परमात्मा के चरणों के अंत से अरदास करता हाँ हे मेरे मालिक उस विचली हुई रूह अपने चरणों के निवास कर सी सारे दोस्तों मित्र रिश्तेदार सारे पाला नंदा बाबा बोले।